please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर किस तरीके से अवार्ड का टोकन का स्टिकर्स डिज़ाइन क्रिएट करना सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, अंत तक चैनल पर बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करें प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर अवार्ड का डिज़ाइन बनाते हो तो उसको आप सबसे पहले यहाँ पर डिज़ाइन करते हुए आपको प्रिंट आउट करना है। उसके बाद आपके पास जहाँ पर अवार्ड है वहाँ पर आपको इसको चिपकाना है। तो सिंपली आप बेसिकली आप यहाँ पर डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डिज़ाइन करने के लिए आपको लेआउट के अंदर क्लिक करना है, आपको जाना है। उसके बाद आपको साइज सेलेक्ट करना है, A4 साइज। तो सिंपली A4 साइज के अंदर क्लिक करते हैं, आपको दोस्तों ओरिएंटेशन लैंडस्केप करना है। तो लैंडस्केप करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो लैंडस्केप के ऊपर में क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से पेज रेडी होकर आ चुका है। दोस्तों, आपको एक यहाँ पर बनाना है, एक यहाँ पर, यानी कि दो, एक पेज के अंदर आपको दो अवार्ड आप इजीली बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इंसर्ट के ऊपर में क्लिक करना है, आपको दोस्तों जाना है शेप के ऊपर में, आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको सेलेक्ट करना है ट्रायंगल शेप। तो सिंपली मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिए, फिलहाल के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करते हुए एडिट सेप के अंदर क्लिक करना है, यानी कि एडिट पॉइंट के अंदर क्लिक करना है। तो पॉइंट के अंदर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करते हुए आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए आपको यहाँ पर रोटेट करना है। तो आपको इसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पर आपको इस तरीके से रोटेट करना है। आप चाहे तो इसको जितना हो सके आप इतना रोटेट भी कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इतना तरीके से रोटेट कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा थोड़ा कम कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो इधर की तरफ कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों ये वाला पॉइंट को आपको डिलीट करना है, राइट क्लिक करते हैं, आपको डिलीट पॉइंट करना है। तो डिलीट पॉइंट करने के बाद कुछ इस तरीके से पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको इसको पॉइंट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट करना है, और इसको आपको कुछ इस तरीके से इधर के साइड आपको इस तरीके से मेंटेनेंस करना है। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से मुझे यहाँ पर मेंटेनेंस करते हुए दिख रहा होगा। दोस्तों आप भी इसी तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से मेंटेनेंस करना है। दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से, दोस्तों ध्यान से देखिए, तो आपको भी इसी तरीके से मेंटेनेंस करना है, और आपको यहाँ पर ये वाला को थोड़ा सा साइज में कम करना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक अवार्ड के लिए, एक स्टिकर्स के लिए, एक यहाँ पर टेम्पलेट तैयार पा रहा है। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से। तो फिर से मैं इसको एडिट शेप्स के ऊपर मैं क्लिक करते हुए यहाँ पर मुझे इसको पॉइंट थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ाना है। तो आप चाहे तो इसको और ये पॉइंट को भी आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए आप इसके यहाँ पर बढ़ा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से एक यहाँ पर मैंने अवार्ड की एक शेप यहाँ पर कंप्लीट क्रिएट कर चुका हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिए, बिल्कुल कितना प्यारा तरीके से अवार्ड का एक शेप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए जितना हो सके आपको यहाँ पर प्लेसमेंट करने के लिए आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए तीन स्टिकर्स यहाँ पर कंप्लीट क्रिएट हो चुका है। पहले तो मैं सबको डिलीट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, इसको मैं फॉर्मेट के ऊपर में जाकर आउटलाइन और यहाँ पर वेट मोर आउटलाइन के ऊपर में जाकर यहाँ पर मुझे आउटलाइन का वेट 10 के आसपास देना है ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लुक लगे। तो ग्रेडियंट के ऊपर में जाकर मुझे यहाँ पर ग्रेडियंट क्रिएट करना है। दोस्तों ग्रेडियंट यहाँ पर ढेर सारा ग्रेडियंट का ऑप्शन है, आप चाहे जो भी ग्रेडियंट का कलर आप पसंद है आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों ग्रीन, और यहाँ पर मुझे कुछ रेड टाइप का, ये टाइप जो भी आपको कलर पसंद है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर मुझे ग्रेडियंट का स्पोर्ट्स रेडियल की जगह लीनियर करना है। उसके बाद दोस्तों ढेर सारे ग्रेडियंट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक ग्रेडियंट अप्लाई किया है। दोस्तों देखिए कितना प्यारा लुक आ चुका है। अब मैं इसी को यहाँ पर फील के अंदर, दोस्तों देखिए फील के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों फील के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ग्रेडियंट फील, और यहाँ पर मुझे ग्रेडियंट देना है कुछ इस तरीके का, एक पतला सा यूनिक सा ग्रेडियंट। इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा अब फॉन्ट कम करूँगा कुछ इस तरीके से, ताकि दिखने में डिज़ाइन कुछ कूल सा, एक प्यारा सा लुक निकल कर आ जाए। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों, तो मुझे यहाँ पर और भी थोड़ा सा मेंटेनेंस करते इसको इधर के साइड करना है, तो दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लुक लगे। दोस्तों देखिए ये अवार्ड को मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं आपको जो भी कंपनीज का नेम है, जो भी आपको यहाँ पर एक बॉर्डर्स वगैरह देना है तो आप इसलिए दे सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पिक्चर्स के ऊपर में क्लिक करते हुए डेस्कटॉप के ऊपर में जाकर ये वाला मुझे यहाँ पर प्लेसमेंट करना है, तो इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर मुझे इसको छोटा करते हुए यहाँ पर मुझे इसका प्लेसमेंट करना है, तो यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। इसको कलर आप चाहे तो बाद में चेंज कर सकते हो, डार्क जो भी आपको कलर पसंद है तो आप यहाँ पर फिल कर लीजिए, ग्रीन जो भी आपको पसंद है। तो मुझे दोस्तों ये वाला ही कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर मुझे इसको कलर
चेंज करूंगा ये वाला। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कंपनी के लिए नेम वगैरह, तो मेरे पास ऑलरेडी डी ड्राइव के ऊपर में है दोस्तों कंपनी नेम, मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हूँ ये वाला लोगो, तो मैं यहाँ पर ये वाला लोगो फिल करूंगा दोस्तों। देखिए इंसर्ट करूंगा और रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो सिंपल है दोस्तों। इस तरीके से आप यहाँ पर मैनेज वगैरह कर लीजिए, आपके पास जो भी कंपनी का नेम है आप यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी एसेसरीज वगैरह अवार्ड के लिए आप लोगो वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर्स के ऊपर में जाकर, तो यहाँ पर मैंने कुछ एक गूगल से डाउनलोड किया दोस्तों अवार्ड का एक यहाँ पर रिबन, तो सिंपली ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हुए यहाँ पर प्लेसमेंट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मुझे इसको प्लेस करना है, तो देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर लुक वगैरह आ चुका है इस डिज़ाइन के ऊपर में। तो आपको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस करते हैं, ये वाला को सेंटर आपको अप्लाई करना है। तो उसके बाद दोस्तों आपको जो भी यहाँ पर कंटेंट टाइप करना है, तो एक्सेलेंट अवार्ड या फिर प्रीमियम अवार्ड यहाँ पर है, तो आपको जो भी उसका नेम है का जो भी आपका पर्सन का नेम है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल है दोस्तों, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है सेप्स, और यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लाइन क्रिएट करना है, तो मुझे यहाँ पर दो लाइन एक बनाना है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ दोस्तों। ध्यान से देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि इसको मैं और भी ज़्यादा सुंदर लुक दे सकूँ। तो यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों ये डिज़ाइन, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करते हुए तो सबसे पहले इसको क्रॉप कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि यहाँ पर मुझे एडजस्ट करने में आसानी हो जाए। यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ, और इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए, ये वाला लाइन को कंट्रोल होल्ड करते हुए इस तरीके से कॉपी करते हुए यहाँ पर मैं प्लेसमेंट करूँगा दोस्तों। देखिए कितना प्यारा तरीके से यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं करूँगा, तो इसको एडिट वगैरह एडजस्ट वगैरह कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो डॉट्स यूज करूँगा यानी कि शेप्स, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, इसको आउटलाइन नो करूँगा। आप चाहे तो इसको कलर चेंज कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, तो इसको मैं यहाँ पर आउटलाइन कलर फिल करूँगा डार्क रेड या फिर ये भी मुझे अच्छा ही लग रहा है, तो यहाँ पर मुझे कुछ रेड ही कलर देना है, तो यहाँ पर मुझे रेड कलर ही दूंगा दोस्तों इसको भी, और इसको भी मैं यहाँ पर रेड ही कलर दूंगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर सा एक प्यारा सा लुक निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर मुझे इसको प्लेस कर रहा हूँ सेंटर के बीचों बीच, यहाँ पर मैं प्लेसमेंट कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए प्यार से, और इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर भी कॉपी करूँगा, शिफ्ट कंट्रोल होल्ड करते हुए इसको मैं थोड़ा सा सेंटर की तरफ रखना चाहूँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर लुक लगे। तो जो भी आपको नेम है अवार्ड के लिए नेम, तो आप यहाँ पर पर्सन का नेम या आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए सेप्स यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, तो फिल करते हुए इस तरीके से मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मुझे इसको थोड़ा सा क्या करना है, फॉन्ट का साइज एडजस्टमेंट करना है ताकि कुछ यूनिक सा एक लुक निकल कर आ जाए। तो मैं यहाँ पर कैलिब्री फॉन्ट या फिर मुझे यहाँ पर एक यहाँ पर एक पतला सा एक यूनिक सा फॉन्ट यूज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं फॉन्ट सेट करूँ दोस्तों सेंचुरी गोटिक, तो इसको साइडल करते हुए इसको मैं सबसे पहले दोनों स्पेसिंग करूँगा, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं सेंचुरी गोटिक फॉन्ट इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करूंगा, अलाइनमेंट सेंटर, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट के ऊपर में जाकर आउटलाइन नो करूंगा, से फिल कलर भी नो करूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं इसको कलर दूंगा दोस्तों डार्क ब्लू, आप चाहे तो जो कलर आपको पसंद है तो आप दे सकते हो। यहाँ पर मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसी के ऊपर के रखता हूँ, और यहाँ पर मुझे इसको दो को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर एक डॉट और ये वाला को मुझे सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल है दोस्तों, इसके ऊपर मैं क्लिक करते हैं फॉर्मेट, यहाँ पर सिलेक्शन पेन के ऊपर मैं जाकर मुझे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ये वाला सेलेक्ट करना है, कंट्रोल होल्ड करते इसको मैं ऊपर की तरफ इस तरीके से प्लेसमेंट करता हूँ दोस्तों, ताकि इसको आसानी से यहाँ पर सेट हो जाए। तो इसको राइट क्लिक करते हुए ग्रुपिंग का ग्रुप करूंगा, और यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ रहूंगा ताकि, उसके बाद आपको जो भी डेट है उसके लिए भी आप यहाँ पर कंट्रोल होल्ड करते हुए कॉपी कर लीजिए, आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से टेक्स्ट टाइप किया, अभी मैं इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए यहाँ पर मैं टाइप करूंगा, इसको भी सेलेक्ट करते हुए आप प्रोप्राइटर का नेम, अभी मैं यहाँ पर अंडरस्कोर प्रेस करूंगा कुछ इस तरीके से लाइन बनाने के लिए। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से मैंने यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर काम कर चुका हूँ दोस्तों। देखिए एक अवार्ड के लिए मैंने यहाँ पर एक कंप्लीट एक यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट कर चुका हूँ दोस्तों, आप भी इसी तरीके से कर लीजिए। जो भी आपको सिग्नेचर वगैरह है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर मुझे सिग्नेचर अप्लाई करना है, तो उसके लिए इंसर्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, पिक्चर्स, तो मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप के ऊपर मैं एक सिग्नेचर बना कर रखा हूँ दोस्तों, सिंपली ये वाला सिग्नेचर मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा, और रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करूंगा, इसको छोटा करूंगा साइज, और यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है।
तो इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। ध्यान से देखिए कितना प्यारा तरीके से सिग्नेचर अप्लाई किया। इसको कॉलर दूंगा दोस्तों, कुछ रेड टाइप का, कुछ इस तरीके का एक कॉलर, ताकि दिखने में और भी ज़्यादा सुंदर सा एक लुक निकल कर आ जाए। दोस्तों देखिए कितना प्यारा तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया है दोस्तों, बना चुका हूँ। अब आपको जो भी अवार्ड है उसके ऊपर में आप ये स्टिकर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसको सबसे पहले जो दोस्तों सिलेक्शन निकालने के लिए दोस्तों आपको क्लिक करना है, आपको फॉर्म के ऊपर में जाना है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन पेन के ऊपर में क्लिक करना है। आपको सभी को इस तरीके से कंट्रोल होल्ड करते हुए सभी जो भी यहाँ पर एसेसरीज जो भी मैंने यूज किया था इसको सभी को आपको इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल होल्ड करते हुए सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको इस तरीके से सभी के सेलेक्ट होने के बाद आपको राइट क्लिक करते हुए ग्रुपिंग का ग्रुप करना है। उसके बाद इसी को कंट्रोल होल्ड करते हुए आपको यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करते हुए यूज करना है, इसी को शिफ्ट होल्ड करते हुए यूज करना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको इसको इजीली प्रिंट करते हुए आपको इसको जहाँ पर प्लेसमेंट करना है आप इजीली प्लेस करते हो, जहाँ पर जिसके ऊपर भी आप इसको चिपकाना चाहते हो तो आप इजीली चिपका सकते हो। इसको आप सिंपली नाम वगैरह चेंज करते हो, सब कुछ आप इजीली काम कर सकते हो। इस तरीके से आप स्टिकर्स अवार्ड डिजाइन के लिए यहाँ पर मैंने स्टिकर्स डिजाइन कंप्लीट किया है दोस्तों, आप भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।